नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे खबर ये आ रही है कि रशियन सोल्जर्स यहाँ पे इंसल्ट कर रहे हैं नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों व्हाट द FUCK टू डू विद देम, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनके साथ में क्या करेंगे, क्या करेंगे इनको लेकर के हम। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे सिचुएशन में रशिया का तो स्टैंड क्लियर दिखता है कि रशिया को सोल्जर्स की जरूरत है, इसलिए नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को बुला रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरियन मतलब किम जोंग क्यों अपनी आर्मी को भेज रहे हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए? तो उसमें तो खास जो रीजन है दोस्तों, एक तो पहली बात, इन्होंने कभी युद्ध तो लड़ा नहीं है, कोई रियल लाइफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो है नहीं। चलो भैया देख लेते हैं, ये भी हो जाएगा। प्लस ये एक ट्रस्टेड अलाय बनाना चाहते हैं किसके साथ में, रूस के साथ में, इसके लिए इन्होंने स्टेप लिया है। लेकिन यहाँ पे इनकी आर्मी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो सर ये कैसे पता चला? ये यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस ने उससे ये पूरा किया, ऑडियो इंटरसेप्ट किया और पूरा क्या किया, रिलीज किया टेलीग्राम पे। तो चलिए जरा डिटेल में समझते दोस्तों ये सब हुआ क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों, पहले खबर आई थी कि 11,000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियन की जो बोलते हैं ना आर्मी, वो पहुंच गई है रसिया के अंदर। इनको ट्रेनिंग मिल रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कैब यूनिफॉर्म ये सब चीजें बांटी गई। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। अब खबर ये आ रही है कि भाई साहब ये जो नॉर्थ कोरियन जो सोल्जर्स वहां पे पहुंचे, पहले तो इनको ट्रेनिंग वोनिंग दिया जाएगा, तुरंत ही तो खड़ा नहीं कर दिया जाएगा, जाओ जाओ भाई लड़ लो। पहले इनको बकायदा ट्रेनिंग वोनिंग दी जाएगी, उसके बाद इनको क्या किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। उसके पहले ये खबर आ रही है कि रशियन सोल्जर्स इनको क्या कर रहे हैं, रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को, क्या दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो बोल रहे भाई क्या करेंगे इनका लेकर के। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को जब अम्युनिशन और मिलिट्री किट जब देने लगे, तो उसी टाइम का एक वीडियो लीक हुआ जिसमें ऑडियो में लीक हुआ जो बताया गया डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफ यूक्रेन के द्वारा, जिसको उन्होंने फ्राइडे को रिलीज किया। उसमें बताया कि भाई साहब रशियन सोल्जर्स इनको बोल रहे थे के बैटालियन, अर्थात द FUCK, इनको बोला चाइनीज, बाकी का आप समझ सकते हो क्या लिखा है। तो इस तरह से एक चीज और ऑडियो में क्लियर हुआ, उन्होंने बोला व्हाट द टू देम, ये भी बोला गया। अब ये जो बोलते हैं ना दोस्तों, ये ऑडियो जो इंटरसेप्ट हुआ वो अक्टूबर 23 को हुआ। बाद में यूक्रेन ने क्या किया, उसको टेलीग्राम पे डाल दिया, बोला भाई हम भी सुन लिए तुम भी सुन लो। इसके रिसेंट में आपने पहले देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया बोलते हैं ना दम धमाकेदार धमकी दे रहा था साउथ कोरिया को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बॉर्डर पे इन्होंने बम वम मार करके पूरा बोलते हैं ना उड़ा दिया। तो साउथ कोरिया वाले डर रहे थे भाई, बोलते हैं ना बॉर्डर की कनेक्टिविटी खत्म कर रहे हैं, कहीं बोलते हैं भैया इनके प्लेन उन ना घुस जाए इधर। तो चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, खबर ये आ रही थी कि अक्टूबर 24 तक क्या किया जाएगा, इनको रशिया के कुर्स रीजन में भेजा जाएगा जहां पे यूक्रेन ने कब्जा करके रखा है। तो उसमें पता चला भाई साहब कि अब इनको गाली क्यों दे रहे थे वो भी समझ लेते हैं। अब पता चला भाई कि जो ट्रांसलेटर है, एक तो इनके साथ में ट्रांसलेटर रहेगा और 3 सीनियर ऑफिसर रहेंगे every 30 नॉर्थ कोरियन मैन, मतलब 30 लोगों का गैंग रहेगा, एक बैटालियन रहे समझ लीजिए। तो उसमें तो एक ट्रांसलेटर रहेगा और 3 क्या रहेंगे सीनियर ऑफिसर रहेंगे जो इनको समझाएंगे, उठो बैठो गोली मारो ये करो वो करो, इनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो लोग गुस्सा के भाई बोलते हैं 30 आदमी के लिए 3 सीनियर और एक ट्रांसलेटर। तो फिर देखिए यहाँ पे रशियन का क्या कहना है, द ओनली थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड इज देयर 3 सीनियर ऑफिसर फॉर 30 पीपल, 30 लोगों के लिए 3 सीनियर ऑफिसर चाहिए, कहां से लाएंगे, इन लोगों को भगाना पड़ेगा हमको। ये रशियन का कहना है, रशियन के जो मिलिट्री है उनका ये कहना है, ब्ला ब्ला इन्होंने बहुत सारी गालियां दिया, ये बोला वो बोला। अब ये आकलन लगाए जा रहे थे कि ये जो बोलते हैं ना नॉर्थ कोरियन की जो ट्रूप्स है इनको भेजा जाएगा कुर्स वाले रीजन पे, तो इस जगह पे ये कुर्स वाले रीजन में। पहले दोस्तों ये बोलते हैं ना, ये आया था मैप कि इतने एरिया पे यूक्रेन ने क्या किया है, कब्जा करके रखा है रशिया वाले। अब बाद में पता चला दोस्तों ये बोलते हैं ना एरिया धीरे धीरे क्या होते जा गया, बढ़ते जा रहा है, मतलब यूक्रेन की आर्मी धीरे धीरे रशिया के अंदर घुसते जा रही है। तो इन सभी नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को इधर भेजा जाएगा कि भैया तुम यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लड़ना शुरू करो, रियल एक्सपीरियंस लो भाई। चलिए उसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, ये वही एरिया है जिसको लेकर के यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की बहुत ज्यादा बहुत खुश हैं। इनका कहना है कि भाई साहब यही जो एरिया है, तो जब हम निगोशिएशन करने बैठेंगे रसिया के साथ में, तो रसिया को बोलेंगे भैया वो अपना वाला एरिया क्या करो, हम तुम्हारा ये कुर्स वाला एरिया दे रहे हैं, तुमने जो कब्जा किया वो दे दो। प्लस अभी आपने सुना होगा कि ये निगोशिएशन के लिए तो बात हो ही रही, ये इन्होंने बोला था कि ये लेके आए थे विक्ट्री प्लान लेकर के आए थे जेलेंस्की जी,
ये बोले थे कि मुझे नेटो में ज्वाइन कर लो। जर्मनी ने बोला भाई नहीं, तुम युद्ध में भिड़े हुए हो, अभी हमको युद्ध अपने ऊपर मत थोपने दो। तो जर्मनी ने सीधा मना कर दिया। अब इनकी एक इच्छा और थी कि जो तुम लोग ने लॉन्ग रेंज वाला मिसाइल दिया है, अब मैं उसको चलाना चाहता हूँ रशिया में, तो वो भी परमिशन नहीं मिला है। तो इनकी हालत तो वैसे ही खराब है। नवंबर 5 को इलेक्शन है अमेरिका में, अगर ट्रंप आ गए तो इनकी रातों की नींद सब गायब हो जाएगी, वैसे भी नींद नहीं आ रही होगी इनको। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, रसिया का बोलते हैं ना एंगल जरा देख लेते हैं कि अब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि 27-28 तारीख तक ये लोग को क्या किया जाएगा, यूक्रेन वाले बॉर्डर मतलब वो क्रूस वाले रीजन में भेज दिया जाएगा। उसके पहले क्रेमलिन ने मतलब रसिया ने क्लियर कर दिया कि भैया कि नॉर्थ कोरिया का कोई ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉय नहीं होने वाली, भैया टेंशन उन्सन ना लो। लेकिन जब ब्रिक्स समिट हुआ तो पुतिन ने डिनाई नहीं किया कि नहीं, मतलब जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो इससे एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे एक साइड दिया जा रहा है किसको, नॉर्थ कोरिया को, कि भाई साहब तुम आओ और तुम भी अपना पावर जरा दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो मैसेज किसको भेजना है, मैसेज भेजना है सीधा किसको, वेस्टर्न कंट्रीज को, नेटोस को, कि भाई जो तुम लोग जिस तरह से यूक्रेन की हेल्प कर रहे हो तो स्टॉप करो, नहीं तो नॉर्थ कोरिया जैसे देश आ जाएंगे हमारे साथ में और इनकी मिलिट्री खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज तो और, ब्रिक्स समिट जो हुआ उसमें एक मतलब ना थोड़ा शॉकिंग आया कि पाकिस्तान की इच्छा जताया था, पाकिस्तान ने बिड लगाई थी भैया हमको ब्रिक्स का मेंबर बना लो, टर्की ने भी बोला था, तो पाकिस्तान और टर्की दोनों को भगा दिया गया। तो टर्की में बहुत सारे रिपोर्ट छपे, टर्की का मजाक उड़ा, टर्की बोला था अरे हमको तो बुलाया बस, पुतिन ने बोला है बस फॉर्म पे साइन मारो तुरंत ही साइड में खड़े हो जाओ, यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहे हैं यार टर्की, अरे नई नई कंट्री दिख रही है। पाकिस्तान से बोलना चाहता हूँ यार, ये जो ब्रिक्स कंट्री है यार, ये अमीरों का, अमीरों वाले देशों लोग का है ग्रुप है ये, इसमें सब अमीर लोग बैठ करके बोलते हैं ना, काम धंधा करते हैं। अब तुम इधर साइड में आके खड़े हो जाओगे, सबसे भीख मांगोगे अच्छा लगेगा? हाँ पाकिस्तान का यही है ना, भैया हमको मेंबर बना दो, तो लोगों ने बोला भैया तुम क्या करोगे, बोलते हैं हम तो भीख मांगेंगे, सबसे मांगेंगे हमको ज्वाइन करा लो। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।